दोनों अपने अपनी जगह पे गलत हो जाते हैं जब वो ऐसी लड़की बोलता है, चाय फेंकना और ये सारी चीजें भी गलत है, ये बीच में घुसती है मुद्दों पे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उनको पता था कि मैं उनको गलत बोलती हूँ। आई थिंक जहाँ मुझे बोलना चाहिए था मैंने वो बोला हूँ। तो पहले तो जाना चाहूंगी वाइल्ड कार्ड एंटर किया आपने, फिर उसके बाद काफी ज्यादा आपके अंदर पोटेंशियल दिखाई दी कि इस बार अब शायद आप और ज्यादा दिखेंगे, और दिख भी रही थी। क्या कहेंगी, किस तरह का गेम आपको लगा फेयर खेल पाएंगे इस बार? देखिए, मैंने फेयर खेला एंड मुझे जहाँ लगा मुझे बोलना चाहिए मैंने वहाँ बोला। बहुत लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की लेकिन मैं पीछे नहीं हटी। मैंने बोला एंड ठीक है, अब उनकी जो भी स्ट्रैटेजी हो लेट इट बी। मैं आई एम प्रैक्टिकल, मैं उनकी बातों में नहीं पड़ी, ना ही मैंने फेक खेलने की कोशिश की या मैंने किसी को जाकर फेक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश की। आई थिंक दैट मैं जो हूँ मैं वो रही। अच्छा, कह सकते हैं कि इस बार जब घर में गई तो आप काफ़ी ज़्यादा जान रही थी, हर चीज़ को सोच समझ मतलब लिया था आई गेस कि किस तरह से खेलना है। काफ़ी सजेशंस भी दिए आपने सभी को इस बार, सबको ये लगा, दर्शकों को ये देखने में आया कि आप काफ़ी अच्छा सजेस्ट कर रही थी लोगों को। तो सबसे बेस्ट सजेशन क्या लगा आपको जो आपने अब तक दिया घर के अंदर? आई थिंक जो भी मैंने दिया बेस्ट सारे मैंने सोच समझ कर ही दिया, मुझे याद भी नहीं है कि एक एक मैं ऐसे बेस्ट बताऊँ उनमें से। लेकिन आई थिंक जहाँ मुझे लगा कि जहाँ कोई गलत जा रहा है मैंने उनको बताया कि ये आप गलत कर रहे हो, और ठीक है अगर वो मेरा सजेशन लेते हैं लें, नहीं ले, मैंने ठेका नहीं लिया किसी का भी। बट आई थिंक जहाँ मुझे बोलना चाहिए था मैंने वो बोला, वो मेरा काम है। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे चाहे फिर वो कोई मेरे अगेंस्ट हो जाए, बुरा माने, आई थिंक कि वो गेम में मेरे लिए ऑब्वियसली डिसएडवांटेज होता, बट मैंने सिर्फ गेम के लिए नहीं सोचा। आई थिंक मैं ऐसी हूँ, कोई गलत होता है तो मैं उसको बोलती हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं ये देखा गया अभी रीसेंट प्रोमो में भी हमने देखा, जहाँ पर शायद आप और विशाल मिलके बात कर रहे थे शहनाज से और उन्हें कुछ बता रहे थे सिद्धार्थ के बारे में। क्या लगता है किस तरह की ये जो ये कोई फ्रेंडशिप में कुछ दरार लाने वाली जैसी चीज़ है, या फिर कहीं ना कहीं आपको लगा कि कुछ? सी, मैं कहीं नहीं जाती, बिल्कुल भी नहीं जाती कि सिद्धार्थ और शहनाज के बीच लड़ाई हो। दोनों की दोस्ती अच्छी दिखती है, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि गेम के लिए सिद्धार्थ, क्योंकि वो समझ गए हैं कि शहनाज भी काफ़ी पॉपुलर हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि शहनाज और गेम में आगे ज़्यादा बढ़ें। इस वजह से वो माहिरा को और पारस को थोड़ा बढ़ा रहे हैं, शहनाज को थोड़ा झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं अगर कोई सच्चा दोस्त है तो वो किसी को थोड़ा नीचा नहीं दिखाएगा, जेलस बोलना या बेदिमाग बोलना या फिर ये सारी चीज़ें, उनको गलत बताते रहना बार बार। तो आई थिंक वो सिद्धार्थ अब करने लगे हैं। कहीं ना कहीं दर्शकों को ये लगा कि शिफाली जब नॉमिनेशंस में आ जाती थी तब कुछ ना कुछ करती थी, जैसे वो रात में जो टास्क हुआ था जहाँ आप सबको सोने नहीं दे रही थी, वो वाला क्या लगता है किस तरह से आपने मतलब उस चीज़ को देखा था, और लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं आप वो नॉमिनेशन से अब बचने के लिए थोड़ा सा लाइमलाइट में आने के लिए ये सारी चीज़ें करें? तो अगर फिर उसके बाद तो दो बारी और मैं मतलब मैं जब से गई हूँ नॉमिनेशन में आई हूँ पहले हफ्ते के अलावा, तो फिर दो बारी और मैं नॉमिनेशन, तो मुझे तब भी यही करना चाहिए था, क्या पता मैं फिर से बच जाती और हिट हो जाता वो एपिसोड, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया। उस समय मैंने इसलिए किया क्योंकि आपको याद होगा कैप्टनसी का टास्क था, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था। आई नो कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं भी करेगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी इस बात को लेके, क्योंकि घर के अंदर ना इतनी गेम लोगों में हो गई थी कि वो चाह रहे थे कि वो मुझे टारगेट करेंगे इस बात पर कि ये नहीं लेती स्टैंड, ये बीच में घुसती है मुद्दों पे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उनको पता था कि मैं उनको गलत बोलती हूँ, उस चीज़ से उनको प्रॉब्लम थी, उनको पता था कि मैं स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखती हूँ, किसी टीम में मैं नहीं जा रही हूँ और ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने सोचा कि इसका ज़्यादा अब हम ये गेम खेलते हैं, और ऐसे वो मेरे साथ बिहेव कर रहे थे। सो आई थॉट कि अगर वो मुझे इरीटेट करेंगे तो मैंने उनको इरीटेट किया। सिद्धार्थ और रश्मि के केस को अगर बात की जाए तो आपने काफ़ी करीब से देखा है, तो ये रियल में एक्चुअली आपको क्या लगा कि किस तरह की चीज़ है? क्योंकि सलमान ने भी काफ़ी कुछ कहा रश्मि को समझाने की कोशिश की, फिर भी ये सारी चीज़ें अभी भी उस वैसी की वैसी ही है, तो क्या कहें? सी, वो उनका बहुत पर्सनल है, वो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, वो दिखाई देता है। अब वो पर्सनल चीज़ें शो के अंदर ला रहे हैं, वो नहीं लाना चाहते तो वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, लाना चाहते हैं गेम में आगे बढ़ने के लिए तो लेट देम, दे आर डूइंग इट, अच्छा कर रहे हैं फिर तो वो उस हिसाब से। लेकिन दोनों अपने अपनी जगह पे गलत हो जाते हैं जब वो ऐसी लड़की बोलता है, ऑब्वियसली डिमीन करके भी बोल रहा है, तारीफ में तो बोल नहीं रहा, और रश्मि उनसे जाके पूछ रही है चाय फेंकना और ये सारी चीज़ें भी गलत हैं, दोनों ही गलत हैं। अब जाना चाहेंगे कहीं ना कहीं इसमें जो है बेनिफिट किस किस को मिला, आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों में? कहीं ना कहीं आसिम भी प्रवोक, राइट, आसिम भी रश्मि का मुद्दा उठा के लड़ रहा है, बाकी उधर से पारस लड़ रहा है, सो सभी बीच में घुस रहे थे उस लड़ाई में। ओके, घर के अंदर इस बार सबसे ज्यादा लव एंगल दिखा, तो आपको क्या लगता है कि लव एंगल है या फिर बॉन्डिंग है? क्योंकि सिद्धार्थ को लेकर बात की जा रही है, पारस मायरा की बात की जा रही है, क्या कहेंगे? सिद्धार्थ की देखो एक अच्छी बॉन्डिंग है, सिद्धार्थ प्रोटेक्टिव है, शहनाज शी उसको पसंद है सिद्धार्थ जब उसे टेंशन देता है, लगाव हो गया है। पारस माहिरा का भी अच्छा, लेकिन मुझे पारस की तरफ से वो फेक लगता है, फ्रेंडशिप है,
और मधुरिमा विशाल उफ वो खुद के रिलेशनशिप में कंफ्यूज है। लास्टली आप क्या कहेंगी, किस तरह से आप दर्शकों को जल्द ही दिखने वाली हैं या फिर क्या कुछ आपने सोचा है कि क्या कुछ करेंगे न्यू ईयर हो गया तो? आई एम प्लानिंग टू डू होस्टिंग और लेट्स सी कुछ अच्छा हो इस इंडस्ट्री से मुझे कोई ऑफर आए तो आई विल हैव टू। ओके, व्यूअर्स से क्या कहेंगी, बहुत प्यार दिया है उन्होंने। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग और बस आगे भी ऐसे सपोर्ट करना। हैप्पी न्यू ईयर।